Almost ready. Almost ready. Ito'y anna lang ganyan. हेलो दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज मेरी वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पर्पस है आपको खुश करना, पॉजिटिव करना और आपकी ज़िंदगी में नन्ही सी स्माइल लेके आना, और जिसमें मैं काफ़ी अच्छी तरह कामयाब भी होती हूँ। जब आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, आपको मैं खुशी देती हूँ, अच्छी एनर्जी देती हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यही मुझे चाहिए। आज मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं, और जब मेरे बाल स्मूथ, हेल्दी एंड क्लीन होते हैं मुझे बहुत अच्छा फील होता है। यूजली मेरे व्लॉग्स में हमेशा मेरे बाल ऑयली होते हैं, पर चिंता मत करें, कभी कभी वो क्लीन भी होते हैं। और इस बार मेरे बाल इतने सॉफ्ट फील हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये शायद पता किस वजह से हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया था ना लॉरियल का प्रोडक्ट 8 सेकंड वाला, जो डैमेज बालों को सही करता है, वो यूज़ किया है मैंने। एक ही बार यूज़ किया है और मैं डिफरेंस देख सकती हूँ। आई डोंट नो वो क्या है, मिरेकल प्रोडक्ट है मैन। 8 सेकंड में उसने मेरे बालों को ऐसे गर्म गर्म कर दिया था, और उसके बाद मुझे सच में बहुत डिफरेंट फील हुआ। पर मैं उसको 3-4 बार और ट्राई करूँगी, अगर मुझे लगेगा कि रियली सच्ची यही हेल्प कर रहा है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे विचार कि अगर वो आपको भी हेल्प करे। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में हम लोग हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मैं एटलीस्ट हर हफ्ते मेरे बालों को हीट से स्टाइल करती हूँ। सो अगर मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो मेरे हीट डैमेज को, स्प्लिट एंड्स को मदद करे, तो और क्या चाहिए इस ज़िंदगी में मुझे, ताकि मेरे बाल भी स्टाइलिश रहें, बालों को भी मैं स्टाइल कर दी रहा, और फिर वो हार्म भी है जो वो सही हो जाए। क्या चाहिए और ज़िंदगी में, या उस प्रोडक्ट पर हम बात करेंगे लेटर। ऑलरेडी बच चुके हैं 1:15। आज मेरा दिन काफ़ी लंबा गया क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे। हमेशा बोलती हूँ ये, पर बहुत सारे काम करने थे। सिर्फ चाय पी है एक, और मैंने वो भी पी थी आइस कॉफ़ी बनाई थी आज मैंने, क्योंकि मैंने मेरे चेहरे पे मास्क लगाया था और मेरा गरम गरम पीने के लिए मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि आइस कॉफ़ी पीती हूँ। और बाहर आज दिन इतना ग्लूमी है, इतना ग्लूमी, नेरा हो गया दोस्तों। बाहर देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि 4-5 बज गए। इसी चक्कर में मैंने इतनी बार घड़ी देख ली है, डर लग रहा है मुझे कि कहीं मैंने हिम्मत की बस मिस तो नहीं कर दी। समय सिर्फ 1 ही बजा है और ऐसे लग रहा है कि 6-7 बज गए होंगे। और मम्मी ड्यूटीज़ करेंगे, हाउसवाइफ ड्यूटीज़ करेंगे, और व्लॉगर ड्यूटीज़ करेंगे, और आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। और जब मैं ऐसा मेकअप पहन के बस स्टॉप पे हिम्मत को पिक करने के लिए जाती हूँ, सभी मुझे बहुत हैरानी से देखते हैं कि कितने चल लिया है, पार्टी से चल लिया। कई तो पूछ भी लेते हैं कि कहीं जा रहे हो, कहीं पार्टी से जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं दही ऐसे ही मज़ा आता मुझे, कि इतना मेकअप करके तुम क्यों तैयार हुई हो, और मज़ा आता है मतलब ये क्यों। मैंने कहा कि द साउंड मैन, और फिर वो कहती कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत खुश होता होगा कि कितनी ब्यूटीफुल लगती हो तुम। मैं कर ला, मैंने कहा कि नहीं, हस्बैंड खुश नहीं होता, हस्बैंड साडा बड़ा ही खराब है। कर दी मुर्गी दाल बराबर, कहावत तो सुनी होगी, जो उनको आम ही लगती है चीज़ वो तो खुश होना उन्होंने। यहाँ ये भी एक जिंदगी थी, दुख भरी सच्चाई है। ओके कटिंग, चलो दो चलिए थल्ले। जब मैं यहाँ पे व्लॉग बनाना शुरू करती हूँ ना, तो मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत बार फिनिश कर लेती हूँ और फिर मुझे मज़ा आता है। ओके सो आई एम डाउनस्टेयर, और मैं अब क्या करूँगी। सॉरी गाइज, आई नीड टू पुट सम स्टफ बैक। ओके सो मैं डाउनस्टेयर आ चुकी हूँ, और अब मैं वीडियो एडिट करना शुरू करूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं एवरीडे वीडियो अपलोड करूँ। पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जैसे मैंने बताया मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊँ, क्योंकि कोई भी सब्जी नहीं है बनी हुई। अंडे खाने के लिए मेरा मन नहीं है कि खाऊँ यार, बहुत चिंता वाली वाला, समझ नहीं आ रहा। और ये हाइलाइटर के बारे में सोच रही हूँ कि इतना अच्छा है, तो ये है मेकअप रेवोल्यूशन का गोल्ड ग्लो, कितना सही है। और वैसे भी मैंने मेरे फेस को शेव किया है ना, तो ज़्यादा ग्लोई लगती है स्किन, एंड प्रोडक्ट भी ज़्यादा शाइन करते हैं, जो आपने शायद ऑलरेडी देख ली होगी। सो एनर्जी का लेवल हो रहा है 0, क्योंकि टेट जगोजनियाँ, और टेट जगोज पाऊंगी तो मिलदी हाँ। अगर मेरा मील देखने ली अच्छा दिखेगा तभी मैं दिखाऊंगी। सो विचार विमर्श हुआ है, सबसे पहले मैं बनाना खाऊंगी। हेलो, वो तो बाद देख दें कि करना। हेलो, दिस इज मी। यार मेरा बहुत मन करता है कि मैं गा पाती, बहुत अच्छा गाती हूँ। मैंने कभी आपको बताया नहीं, पर मैं सुनाऊंगी कभी, हैरान हो जाए। बनाई है एक प्रॉन, तो उसके साथ है वेजिटेरियन बेसन का ऑमलेट, और आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू टेल यू गाइस, दिस इज ग्लूटेन फ्री परांठी। यस, आई एम गोइंग ग्लूटेन फ्री। परांठी जिसको मैंने ऑलमोस्ट ड्राई रखा है, सोक गई है। सो या इसको खाऊंगी, टीवी देखूंगी अब मैं, मजा करने वाली हूँ। खाना खाने के लिए मैं लेट हो चुकी थी 1 घंटा और, क्योंकि मेरी दोस्त का कॉल आ गई थी, आपको बताया मैंने, और यहाँ बता दिया। सो या मैंने खाना खा लिया है, और रोटी के बाद मेरा बेसन का ऑमलेट खाने के लिए मैंने थोड़ी सी सॉस भी ले ली थी, और अब बज रहे हैं 2:40, और बहुत स्लीपी फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि टेड पर ही है मेरा ज्यादा, और नींद आ रही है मुझे। पर अब हिम्मत क्या
का समय है, हिम्मत को पिक करूंगी। आज हिम्मत बहुत एक्साइटेड था स्कूल जाने के लिए क्योंकि आज उसके स्कूल में पिज्जा डे है और ट्यूसडे को उसे स्कूल से पिज्जा मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है। क्योंकि उस दिन भी जब हम इटालियन खाने गए थे तो वो चाहता था कि वो पिज्जा खाए, लाइक उसका रेगुलर चीज पिज्जा जो आज उसे स्कूल से मिलेगा, सो वो बहुत हैप्पी। उसको पता नहीं क्यों पिज्जे से इतना ज्यादा प्यार है, क्या बताऊं। सो या अब अगर आप जानना चाहते हैं ये टॉप मैंने कहाँ से लिया है तो मुझे लगता है शायद फॉरएवर 21 से लिया है मैंने। और दूसरी बात है, मुझे लगता है कि अब मैं रेडी हूँ मेरी लव स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं हमारी लव स्टोरी तो बताना, हम दोनों मिल के वो वीडियो बनाएंगे, उसमें पति को भी शामिल करेंगे। सो या यही बताना था। ओके बाय। I'm really scared. They killed this corona germs. In China, there's 3,000 people got corona germs. And they can make you die. You have to lock your doors, be safe, and don't get corona germs. Please don't. Then you die forever. And the doctor need to see what happened, and they take the germs away. And please don't do it, okay? You have to go and shopping quickly. And you have to wash your hands and clean your face. And you have to brush your teeth. And you have to do coolly. You have to put water and do that. That's it. Good. Don't touch warm things. And don't do anything. Don't touch that or that or that, that. But then there's corona germs that in there. Don't touch it. Because don't touch your eyes or mouth. And then this, in China, this one person is sick at China. And at, that's a city, you have to go on a plane there. And there's some news about that at TV, my TV. And then one person is sick and he cough in the other person. He cough in the other person. And the other one cough in every person. Every 3,000 people got corona germs at China. And you have to be safe, don't go to China. That's dangerous city ever, don't go there. I love you so much guys, and I care for you. Please watch my channel and my mom channel. तू अपनी ऐड कर ला प्या, चल कोई नहीं, that's good, that's good. Why you saying all these thing to Mimi family? And you know why I'm saying this? Because I love you guys a lot, and I don't want you go in China. I like you watch mommy channel and my channel. Okay, then I'm gonna give you dudu. You want warm dudu? Okay, I'm gonna give you tiny bit warm. Okay. So I hope आपने हिम्मत का मैसेज ले लिया होगा। वो बेचारा बहुत कंसर्न था, उसका मन था कि मिमी फैमिली को बता दे। वो मुझे कह रहा है कि I really wanna convey this message to मिमी फैमिली because I'm concerned about them. I want them to stay safe, stay away from China and always wash their hands. So yeah, he's very cute. और हिम्मत को दूध दे दिया है मैंने और एडिटिंग मैंने शुरू तो कर ली थी पर अभी काफ़ी समय लगेगा। ओके, मैंने सोचा है पहले कम्फर्टेबल कपड़े पहन लूँ क्योंकि जब मेरे कपड़े होते हैं कम्फर्टेबल देन आई कैन वर्क मोर। और बिना ये सोचे कि ओ मैंने बहुत टाइट लगता पे आया, ओ मेरी जान निकल गई, ओ बहुत खुश हो गया, तो इससे अच्छा है कपड़े पालो कंफर्टेबल। और दूसरी बात है कि मुझे मेरे कपड़े पहनने से ज्यादा कंफर्टेबल हस्बैंड के कपड़े पहनना लगता है। और आई एम हैविंग सो मच पेन, ओके आई एम हैविंग सो मच पेन इन माई अड्डी हील। यार जान ही ला लनी है तो मेरी की पाऊंगा, ओके आई एम गोना वेयर, सो लेट मी वेयर दिस। I'm feeling million times better already. यार पता है क्या है कि जब आप लूज कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं ना तो आपको टाइट कपड़े जान लेते हैं आपकी। और कई बार मुझे लगता है कि लूज कपड़े में मैं मोटी लगती हूँ पर मजा आता है यार लूज कपड़े पहनने में, कितना कम्फर्ट है, लगता है कि बहुत कोजी है, नाइस है, मजेदार है। और एक और बात बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक और बात बताना बहुत अच्छा लगता है। और यस माई उंगलियां हर्टिंग,
क्या बताना चाहती थी, तेरी याददाश्त ना कि सड़ी जाए। अद्धी बंदे दी लाइफ से उदो अच्छी हो जाती है जब ओदे बाल अच्छे फील होंगे। तो मेरी अद्धी लाइफ ऑलरेडी चंगी हो चुकी है। मैं दुध देता अपने लिए, मैं चाह बना ली, मैं उपर आई सी कि कपड़े चेंज कर ला ते फिर एडिटिंग करांगी। अन्ने वाह, लाइक अद्धी एडिटिंग करांगी, फिनिश करके वीडियो अपलोड करा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं हर रोज, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं कुछ हर रोज अपलोड करूँ। बहुत सारी चीजें मैं बना रही हूँ, बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारी चीजें कर रही हूँ। जितनी मेरी शरीर, मेरी जितना मेरा बॉडी और मेरी हेल्थ मेरा साथ छोड़ रही है, मैं उतना ही ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। कई दोस्तों ने कहा है कि तुम उतना ही करो जितना तुम कर पा रहे हो, और थैंक यू जो इतनी प्यारी चीजें मुझे बोलते हैं। मुझे पता है कि आप मेरे लिए बहुत कंसर्न है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हिम्मत से बाहर चीजें करूँ, क्योंकि यू नेवर नो कल कैसे आने वाला है। आज मेरी सिचुएशन कैसी है, हो सकता है कल इतना ज्यादा बुरी हो जाए, और जो मैं आज करने के काबिल हूँ शायद वो मैं कल नहीं होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है मेरी लिमिट से ज्यादा करूँ मैं चीज, और यही चीज मुझे कोई मोटिव देती है। सो या हम ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, इतना ज्यादा करेंगे, कमाल ही कर देंगे। ओके लेट्स गो। आई एम लुकिंग लाइक एंजल, फिर बाहर से बहुत ज्यादा अच्छी रोशनी आ रही है। तो यहाँ मेरी बेडिंग सारी वाइट है, और मेरी नेबर इधर देख रही है। ओके सो मेरी बेडिंग सारी वाइट है, तो ऐसे लग रहा है कि मैं स्वर्ग से बात कर रही हूँ। और ये देखिए फॉरएवर 21 का लिफाफा, पुरानी यादें, पुरानी यादें। क्यों बंद करता यार उन्होंने स्टोर, इतना वधिया स्टोर सी, कुछ ना कुछ तो मिलता ही सी ना। तो दुख भरिया कहानियां बहुत है जिंदगी च, फॉरएवर 21 भी एक ओही दुख भरी कहानी है। मैंने कहना मम्मी पता नहीं कल्ली की बुड़बुड़ कर दी जाती है। चाय का कप दिखा देती हूँ मैं आपको, चाय का कप जिंदाबाद। चाय का कप देता है बहुत ज्यादा एनर्जी काम करने के लिए। और कोई पूछ रहा था कि ये प्लांट रियल है या फेक, तो ये फेक है भैया। लेट्स डू स्टफ। My daddy said did something really funny. You heard that? That's my dad. That's my dad. Okay, we got it. Let me get five. Guys, जो हिम्मत ने आपको मैसेज कन्वे किया था कि अपने हाथ धोएं ये वो सारे अपने डैड को करा, उसके डैड उसको कर रहे हैं, ये दोनों जाने कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लुक and he sent this to his daddy. Daddy, can we please get so many toilet papers and get Maggie? Please get Maggie because okay, then Corona jumps come and you have to get stuff quickly. Hands every day. I wash my hand after every hour. No doubt. Daddy, come on. I wash my hand every second. Please wash your hands too at home. When you touch anything bad, wash your hands. Please be safe. Dad, I'm saying all this, I love you. Please. Stop sending me texts to you, Mucky. Mucky? What are you doing? I'm not Mucky. No, I'm Mucky. You're only messing up the things. You don't do anything. Can you say something? You got big mouth. Okay, you have to say whatever you want. Whatever. Hey, this is not the way. Say something he can understand. Daddy, are you crazy? You make mess, okay? So I'm back. इस समय मैंने क्या किया है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े हैं, न्यूज़ देखी है, और किताबें पढ़ी हैं। एंड ओके आई एम किडिंग, कुछ भी नहीं किया है। मेरी बॉडी काफ़ी पेन करनी शुरू हो गई है, पता नहीं शाम को पेन सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइक हमेशा वैसी ही इंटेंसिटी नहीं रहती, कभी कम होती, कभी ज़्यादा होती, कभी कैसे, पर जब भी मेरे पेन होनी शुरू होती है तो वो शाम को शुरू होती है। लाइक 4-5 बजे सबसे ज़्यादा शुरू होती है। तो अब मैं मसाज कर रही हूँ हर एक उस बॉडी पार्ट को जिसमें पेन हो रही है। तो या सो डिनर के लिए अभी कुछ भी कुक नहीं किया है, और क्या कुक करूँगी ये भी मुझे पता नहीं है। हस्बैंड जब आएंगे तो सलाह मशवरा करेंगे क्या करें। सब्जी रोटी खा के यार बोर हो गई हूँ मैं, पर या होपफुली देखते हैं क्या बनाते हैं। शायद आपके साथ शेयर करूंगी, शायद नहीं करूंगी, शायद अभी मिलूंगी, शायद कल मिलूंगी। पर यार जो मैं वीडियो एडिट करी थी वो फिनिश होगी, अब मैं उसको अपलोड कर रही हूँ। होपफुली आधे पौने घंटे में अपलोड हो जाएगी, और यस वो है एक व्लॉग वीडियो। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वॉचिंग न्यूज राइट नाउ। एक्चुअली आई एम नॉट किडिंग, आई एम वॉचिंग न्यूज। दैट्स समथिंग टू वर्क आउट एट इलेक्टा टुमारो। बैक टू यू। ओके क्रिस्टिन, टू कंसीडर ओपनिंग पार्ट्स ऑफ द लाइन एज़ सून एज़ पॉसिबल। We can't.
कोकोनट मिल्क आगा जे कोकोनट नी आ ते माला पानी ते करन की ते आ किचन जे आज व्हाई यू कुकिंग व्हाई योर वाइफ नॉट कुकिंग टेल मी द ट्रुथ Guy, this guy is learning from mamma. Cooking the video on bhi kar liya and ingredients ajje bhi ikatthiyan hon niyan paiyan. Mera banda ki karega. Okay, meri awaaz se shayad weird lage, but I'm not feeling good right now and he is cooking for himself. Almost ready. Toh anna lagne ya. Edi appa anna oh bhi vekhan gaya. Ki karda daddy? What? प्यारी खाएंगे कादे नाल रब जाने की कर दे कचोला गुड मॉर्निंग दोस्तों यूजली मैं इस समय व्लॉग बना नहीं पाती हूँ कि बहुत जल्दी में होती हूँ पर बिकॉज कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं बेड पे चली गई थी डिनर बनाया नहीं खाया नहीं कुछ नहीं किया हिम्मत का मील भी बनाया नहीं था पर ऐसी सिचुएशन में हिम्मत के स्कूल में क्या जाता है मैं आपको बताऊँ क्योंकि वो लंच के बिना नहीं जा सकता है और मैंने उसको दिया है दही बनाना और एप्पल जूस और ये बहुत ही डिलीशियस एंड सॉफ्ट डिनर बंस हैं इसके साथ मैंने उसको एग बना दिया है स्क्रैम्बल क्योंकि वो उससे अच्छे लगते हैं वो पूरा फिनिश करके आता है वो लेके जा रहा है जेलीज एंड चिप्स सो या गुड अमाउंट है फूड की इतना खाएगा तो अच्छा है यस सुबह उठना भी मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था पर बहुत मुश्किल से उठी हूँ मैं क्योंकि हिम्मत को स्कूल भेजना है किचन की हालत बहुत ख़राब है पर उठ के मैंने काफ़ी चीज़ें मैनेज कर दी हैं पर बहुत गंद सी हस्बैंड अगर कुछ करते हैं ना किचन में तो किचन की तबाही मचा देते हैं दैट्स दैट और हिम्मत का लंच रेडी है जैसे कैसे भी तो किचन को धीरे धीरे मैंने क्लीन करना शुरू किया है सो मोटा मोटा एरिया को क्लीन कर दिया है मैंने मोटे बड़े बर्तन अभी पड़े हैं उनको मैं इसमें लगाऊंगी एंड यस अब मेरी चाय का समय हो गया है चाय वैसे मैं 8 बजे पी लेती हूँ और 10 बज रहे ऑलरेडी पर आज मेरी हिम्मत ही नहीं बनाने की हिम्मत को छोड़ के जैसे ही मैं आई बैग ही मैं यार पर यार अच्छी थी कि मैं यही वाली चाय पी लूँगी बनाना आसान है